गुलबर्गा जेडीएस एमआईएम और बीजेपी लीडर्स ने मौजूदा लोकसभा इलेक्शन के चलते कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से राधाकृष्णा डोडेमणि जी को जिताने का फैसला किया है। गुलबर्गा कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जगदेव गुत्तेदार की मौजूदगी और गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा की लीडरशिप में इन तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले लीडर्स के नाम आपको बता दें तो यहाँ एमआईएम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और गुलबर्गा नॉर्थ डिफीटेड एमएलए कैंडिडेट अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ, एमआईएम गुलबर्गा सिटी प्रेसिडेंट और वार्ड नंबर 14 डिफीटेड कॉर्पोरेटर अजीम शेख, एमआईएम वार्ड नंबर 3 डिफीटेड कॉर्पोरेटर मोहम्मद नूर और इंडिपेंडेंट वार्ड नंबर 24 कॉर्पोरेटर आलमदार जैदी और इनके भाई अली जैदी, जेडीएस वार्ड नंबर 29 डिफीटेड कॉर्पोरेटर शेख महबूब और उनके फर्जंद शेख उवैस, मक्का कॉलोनी जेडीएस लीडर इस्माइल बागबान, रामजी नगर जेडीएस लीडर अरविंद रंजरी, फिरदौस कॉलोनी जेडीएस लीडर मुबीन और निसार अहमद, इस्माइल बागबान डबल एके और मिल्लत नगर से बीजेपी सिटी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जावेद पटेल, बीजेपी लीडर शिवाजी और सना बिल्डर से शेख फयाज के अलावा दीगर कई लोग कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। तमाम लोगों ने कहा आज के मौजूदा हालात में देश का माहौल खराब करने वाली बीजेपी को शिकस्त देना है तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना वक्त की अहम जरूरत है। इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जगदेव गुत्तेदार, गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, यूथ लीडर फराजुल इस्लाम, कुड़ा चेयरमैन मजार आलम खान, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नईम खान, अमरुल इस्लाम, जैदुल इस्लाम, वाहिद अली फातेह खानी, एडवोकेट वहाज बाबा, एक्स मेयर एंड कॉर्पोरेटर सैयद अहमद, कॉर्पोरेटर अजमल गोला, कॉर्पोरेटर गौस मत्तेमुड, कॉर्पोरेटर रियाज भट्टो, कॉर्पोरेटर खुसरो जागीरदार, अजहर कॉर्पोरेटर और दीगर कई लोग यहाँ मौजूद थे। इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namaste. Aaj yahan par DCC office mein janab Gutteral sahab, Gutteral sahab ka bhi main tehe se shukriya ada karti hoon. Aur jo jo bhi yahan par aaj join hue, यहाँ के नौजवान जो ज्वाइन हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, ये समझते ये जरूरत समझ रहे हैं हम सब, ये जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को उनको मजबूत बनाना है, तो हम आप लोग जो डिसीजन लिए हैं उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप तमाम का वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग तहे दिल से अपनी कोशिश करके काम करके इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम वोट लेकर जनाब राधाकृष्ण साहब को जिताएंगे। तमाम आज ज्वाइन हो गए से पूरे पार्टी में आज ज्वाइन हो गए से पूरे हमारे पार्टी के लीडर्स हमारे राधा कृष्णा साहब पार्लियामेंट से कांटेस्ट कर रहे हैं। अब पहले से मैडम उनके सदारत में बहुत 27,000 लीड दिए थे, अब ये पूरे लोग हम पार्टी में ज्वाइन हो गए। हम एक्सपेक्ट करते ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराना, क्यों बोले बहुत इंपॉर्टेंट है मोदी को हटाने के लिए, कहाँ भी वोट रहे बाहर गए से वोटांग को भी वो लोगों को भी बुला लेके पूरे वोटांग डाल लें, बहुत कोशिश ही करना कि क्यों बोले पूरे बड़े बड़े लीडर्स भी ज्वाइन हो गए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 40,000 के ऊपर ज़्यादा लीड देना बोल के आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और हमारे इंडिया अलायंस के पार्टी के सदर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो गए, उनको पूरे हमारे इंडिया के अलायंस के सदर भी उनको बनाए, मेजोरिटी आए तो खड़गे साहब भी इस देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है। इसीलिए आप एक एक वोट भी काम बाहर रहे तो भी ला के डालाना बोल के आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों को यहाँ आके ज्वाइन होने के लिए। सब और एक बार मुबारकबाद देता हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ वक्त के लिए अपने परिवार से नाराज होकर बाहर जा रहा था, आज ऐसा लगा कि मैं अपने घर को वापस जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपनी नाचीज को इस पार्टी में लेकर मुझे बहुत बड़ा मैं उनका एहसान मंद होगा। और यहाँ जगदम्बिकाए का मोहतरमा कलीम फातिमा जी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी कंपनी को इज्जत करें। फराज़ुल इस्लाम साहब
और हमारे आज हमें आज का ये वक्त है, हमें जरूरत है कि कांग्रेस को इशार कर आज कृपापर ने जो हिंदुस्तान को दबाव तैयार कर रहे हैं, हमें आज की जरूरत है जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने देश के प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, शमूलियत इख्तियार हुए हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने आज ये दिन दिखाया। एआईसीसी के प्रेसिडेंट जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको 5 साल पहले गुलबर्गा से हराया गया था और हराने वाले ये सोच के बहुत खुश थे कि हमने उनको हराया, पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको उनकी इज्जत कम नहीं की, उनकी इज्जत दर्जा पर दर्जा बढ़ाते चला गया। और आज हमें यह मालूम होता है कि इंडिया गठबंधन के भी वो लीडर बने हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब जलते गुजराव साहब, नॉर्थ के एमएलए मैडम कनिष्क फातिमा जी, सिर्फ चेयरमैन कुरा चेयरमैन मजहर आलम खान साहब, एक्स माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बाहर अली फातिमा खान साहब, गुलबर्गा के नौजवानों की दिल की धड़कन मेरे बड़े भाई फराज अली इस्लाम साहब, मोमिनपुरा ब्लॉक प्रेसिडेंट एक्स मेयर जनाब अहमद साहब, कॉरपोरेशन में अपोजिशन के लीडर जनाब अजमल गोला साहब, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जो हमेशा हमारे बैक बोन है जनाब नईम खान साहब, गुलबर्गा में तारीख के मोहताज नहीं जनाब वहां धवा साहब, और आज जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं तमाम कॉरपोरेटर नौजवान सबको अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चंद अल्फाज में अपनी बात को खत्म करूंगा कि चलो वही जहां जरूरत हो, चलो वही जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती। आज वक्त है, हमें चलना है, हमें कांग्रेस पार्टी को जुड़कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। आज 15 तारीख है, आने वाली 15 अगस्त को मेरे बुजुर्गों ने देश को आजाद कराया था, उन्होंने अपना खून दिया, अपना वक्त दिया, अपना मान दिया। आने वाले 15 अगस्त को हम इस देश से बीजेपी से आजाद करके बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमने तमाम हमारे एरिया के मेरे वार्ड के वार्ड नंबर 24 के जिम्मेदारों से आज दोपहर में हमने मीटिंग ली। मीटिंग लेकर ये तय किया कि आज हमें कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना है, जो कि आज मुल्क में अगर कोई फिरका परस्त बीजेपी आरएसएस से अगर कोई लड़ सकती है, कोई उसको टक्कर दे सकती है, तो वो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी है। उसी को देखते हुए तमाम मैंने मेरे एरिया वालों के साथ आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, इंशाल्लाह कांग्रेस का जो भी हुकुम रहेगा वो हुकुम पर चलेंगे। इसी बात को कहते हुए मैं जनाब जगदेव गुत्तेदार साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस गुलबर्गा, मोहतरमा कनीज फातिमा मैडम गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए और सिर्फ के चेयरमैन, और मैं जनाब मजहर आलम खान साहब जीडीए चेयरमैन, और मैं जनाब नईम खान साहब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, और अजमल गोला साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, और मैं जनाब वहाज बाबा साहब का, फराजुल इस्लाम साहब का एक जो दिल की धड़कन है नौजवानों की, ये तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं
जो हमारे पीछे सपोर्ट कर रहे थे पिछले कई दिनों से, जनाब वाहिद अली फातेह खानी साहब, उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। जनाब अहमद साहब एक्समेयर गुलबर्गा के और नॉर्थ के प्रेसिडेंट, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे तमाम भाई गौस अहमद मत्तेमूर साहब, अजीम शिरनी फिरोज साहब, खुसरो जागीरदार साहब, ये तमाम लोगों का मुझे एक मेरे मेरे साथ एक साथ था। ये तमाम लोगों के कहने पर हमने उनकी बात को मानकर आज कांग्रेस ज्वाइन किया है। रियाज भट्टो साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी तकरीबन मेरे साथ इलेक्शन के बाद से ही मेरे से बात कर रहे थे कि आओ मजबूत, यहाँ पर एक मजबूती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म को आप रीजनल पार्टी को छोड़कर एक सेक्युलर और एक नेशनल पार्टी की तरफ तवज्जो देने के लिए कई सारे लोगों का एक बात कहने का था। मैं इसी की बात को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मैं शेख महबूब वार्ड नंबर 29 आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। मैं था जेडीएस पार्टी में काफ़ी वक्त से, था करीब करीब 15 साल से पार्टी में था। मैं आज तक कोई दूसरी पार्टी में नहीं गया, फर्स्ट टाइम पहली बार जो है ना मैं ये सेकंड पार्टी अगर कोई ज्वाइन किया हूँ तो कांग्रेस पार्टी मेरी इतने लाइफ में। आज जो है ना मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम गणेश फातिमा, जगदेव साहब, फराजुल इस्लाम साहब, महाज बाबा साहब, मजहर अलम खान साहब, अहमद इस्लाम साहब, नईम खान साहब और सब दीगर हमारे इंस्टीट्यूशन का, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को पार्टी में मौका दिया है। मैं पार्टी में जो है ना ज्वाइन हुआ हूँ। आगे जो भी मुझे काम दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भरपूर जो है ना मेहनत करके ईमानदारी से जो है ना उस काम को अंजाम दूंगा। मेरे को इस पार्टी में लाने के लिए सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो नईम खान साहब का है। उनकी कोशिश बहुत है। और मेरा दोस्त है आदिल अंसारी, जो मेरा चाइल्डहुड क्लासमेट है, उसने भी मेरे को जो है ना एक डेढ़ महीने से माइंड बना रहा था मेरा, उसकी भी बहुत बड़ी कोशिश है और नईम खान साहब की सबसे ज़्यादा कोशिश है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं जो है मैडम कनीज फातिमा साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़े से वक्त के लिए हम दूर हुए थे, मैं जो है ना फिर एक बार आकर मिला, अहमद भाई मेरे को फोन किए थे तो मैडम बोले ठीक है आज शाम में आप 7:30-8 बजे आ जाओ, इंशाल्लाह जो है उनका बहुत बड़ा दिल है। जितने भी जो बच्चे जो दूर हुए थे सबको फिर खरीद कर लिए। मैं जो है ना मैडम करीब फातिमा साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदर जगदेव उत्तरधर साहब के और नॉर्थ MLA कनीज फातिमा साहिबा के और फराजुल इस्लाम साहब और तमाम पार्टी के जिम्मेदारों के शाना जिम्मेदारी में आज शहर गुलबर्गा नॉर्थ से, खास करके नॉर्थ से आज तमाम ग्रुप जो ज्वाइन हुए हैं, जिसमें जो है ना हमारे शेख महबूब साहब है, रहीम मिर्ची साहब है और फयाज साहब है और अजीम शेख है, जैदी है, नूर है और जावेद पटेल है और इस्माइल बागवान है, हमारे इकबाल साहब AA है, शिवाजी साहब है, अरविंद साहब है, ऐसे मुख्तलिफ जो है ना पार्टी से, जैसा कि खास करके जनता दल से और MIM से और हमारे BJP से, तमाम पार्टियों से जो है ना जो लोग तमाम पार्टी के लोग जो है ना जनता दल के आकर जो है ना मैडम कनीज फातिमा के नेतृत्व में जो है ना ज्वाइन हुए हैं। जब तक हमारी एक वोट के अंदर को देख सकते हैं हम काम नहीं कर सकते, जब तक हमें एक वोट को जो है ना नहीं समझेंगे, अपनी वोट का इलाज को नहीं समझ सकेंगे, जब तक जो है ना ये BJP फिरका परस्त को हम नहीं हटा सकते। तो मैं चाहता हूं कि तमाम लोग इस बार अपने कारोबार बंद रखकर अगर कोई एडमिट भी है तो एक को बिठा कर एक आकर वोट डाले, अपने कारोबार बंद रखे, अपने तमाम जिम्मेदारियों को छोड़कर यहाँ से यहाँ के कैंडिडेट को, आरजे साहब को एक एक वोट के अंदर दे।
बताते हुए उनको भरपूर लीडर लाकर ये हिंदुस्तान भर में जो बीजेपी ने हमारे मोदी जो गुलबर्ग शहर में फर्स्ट यहाँ पे आकर प्रोग्राम करके जाते हैं, ये खड़गे प्रसाद के डिस्ट्रिक्ट में आके प्रोग्राम करते हुए, तो उनको बताना है तुम पहली ट्रिप में जिंदगी भर यहाँ बैठेंगे तो भी इंशाल्लाह गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट की आवाम पूरे सेकुलर आवाम पूरे एक होकर तमाम कम्युनिटी मिलकर आर के साहब को यहाँ से भरपूर लीड से लाखों के तहदान में दौरान को जिताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहु। जैसा कि आज कांग्रेस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है, मैं मिलन नगर कॉलोनी से MIM से कंटेस्ट किया था, सेकेंड नंबर पे आया हूँ मैं। मैं आज शहर के हालात देखकर, मुल्क के हालात देखकर मैं ये फैसला किया हूँ कि कांग्रेस पार्टी में काम करने से शहर के हालात पे गौर किया जा सकता है और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को जो है ना हम दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी काबिलियत को देख के हमको पार्टी में बुलाए। मैं तहे दिल से मोहतरमा कनीज फातिमा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मेरे पूरे जितने कांग्रेस के कारपोरेटर हैं मेरे भाइयाँ बड़े, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को मैं जितना मेरे दिल से हो सकता है मैं पूरी ईमानदारी से मैं पूरी ताकत से जो है ना मैं कांग्रेस पार्टी का काम करूँगा। मैं किसी का शिकायत का मौका नहीं दूँगा इंशाल्लाह। बढ़ चढ़ कर मैं जहाँ भी रहूँगा बढ़ चढ़ कर जो है ना कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा। सभी मेरे गुलबर्गा के लोगों से गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन के हालात ख़राब है तो मैं सभी लोगों से दिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरे जिले जो है ना अपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें। सलाम अलैकुम। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.